मार्कर दे दें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। ईवी मैग्नेटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक पार्ट है ना, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लासिकल मैग्नेटिज्म। आई मीन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स कितने तरह के होते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, आई मीन अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ऐसा क्यों, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना। तो ये 3-4 पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। या ये भी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल, जो हम मैंने बताया था कि करंट कैरिंग कोई भी क्वाइल है, तो जब आप करंट कैरिंग कोई भी क्वाइल है तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है ना। तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैग्नेट क्या होता है ना। तो मैग्नेट के बारे में आप लोग 8th-9th क्लास में देखे हो, पढ़े होंगे कि मैग्नेट जो है वो उसका जन्म कहाँ हुआ, मैग्नेशिया में हुआ। मैग्नेशिया में एक आयरन और था Fe3O4, है ना, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो उस समय ये देखा गया कि आयरन और मैग्नेटाइट में क्या है, किसी भी अदर मटेरियल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटाइट में देखा गया कि अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद वहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेशिया में, और उन्होंने देखा कि जब भी क्या होगा, इस मैग्नेटाइट ओर को हम इस ओर को हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली। ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्टेड हो जाता है। इसके पास क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है। तो मैंने लिखा भी है कि आयरन और मैग्नेटाइट Fe3O4 है ना, फाउंडेड इन मैग्नेशिया, है ना, बहुत ही पहले। इट हैज प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट अदर मटेरियल एंड पॉइंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जब हम फ्रीली इसको क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, पॉइंट हो जाता है। कहां, मैग्नेटिक मेरिडियन में, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब नेचुरल जो मैग्नेट्स होता है ना, नेचुरल मैग्नेट्स जो होता है उसका शेप जो होता है थोड़ा और टाइप का होता है। जैसे यहाँ देखो सिंगल टच मैंने एक, यहाँ देखो एक आयरन बार है, इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल यहाँ दिया हुआ है, पोल बाद में पढ़ेंगे। यहाँ एक दूसरा, तो एक इस टाइप का देखा गया। दूसरा है डिवाइडेड टच, इस टाइप का क्या है, मैग्नेट देखा गया, है ना। तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या होता है कि इसका जो अट्रैक्टिव पावर है वो क्या होता है, वीक होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉबैक, या देयर आर टू ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। क्या क्या ड्रॉबैक है, कि इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, ऑड टाइप का होता है। और दूसरा जो ड्रॉबैक है वो क्या है, वीक अट्रैक्टिव पावर, ठीक है। इसलिए जनरली क्या होता है कि नेचुरल मैग्नेट का यूज हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जनरली हम नेचुरल मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब नेचुरल मैग्नेट के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एक क्या है, मैग्नेट प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल मैग्नेट वी यूज आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इसका जो शेप होता है वो सिंपल होगा, है ना। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका जो अट्रैक्टिंग पावर जो होगा वो आर्टिफिशियल मैग्नेट से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, या आपके भी माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि नहीं, आर्टिफिशियल मैग्नेट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते कैसे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट इज मेड बाय टू वेज। फर्स्ट क्या है कि कोई भी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हम क्या करते हैं, नेचुरल मैग्नेट से क्या करते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या किया जाता है,
एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। दूसरा क्या है कि कोई भी क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है उस पर क्या करो डीसी करंट को क्या करो स्पाइरल कर दो, है ना, क्या करो वाइंडिंग कर दो, आई मीन क्या करो डीसी करंट कैरिंग कॉइल को क्या करो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या करो वाइंडिंग कर दो, तो उससे भी क्या होता है नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल मैग्नेट फॉर्म होता है। आगे हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो क्या होता है कि मेथड तो है टू ओवरकम द क्या होगा ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल मैग्नेट वी यूज आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो क्या होता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है उसको दो तरह से बनाया जाता है ना, क्या है देयर आर टू वेज, है ना, मेथड ऑफ क्या होगा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के दो मेथड्स होंगे, है ना, क्या होगा देखो दो मैं मेथड बताता हूं, है ना, दूसरा क्या होगा बाय रबिंग द क्या होगा मैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल विथ नेचुरल मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट, है ना, और दूसरा क्या है बाय वाइंडिंग ए डीसी करंट कैरिंग क्वाइल अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो दो तरह से हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये जनरली क्या है बाई वाइंडिंग ए डीसी करंट को कैरिंग क्वाइल अराउंड क्या होगा मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, है ना, और उसको क्या करो उस पर डीसी करंट कैरिंग क्वाइल को क्या करो वाइंडिंग कर दो। तो देखो यही क्या है ये मान लो जैसे सोलेनोइड हमने पढ़ा था ऐसे है ना, ये क्या है करंट कैरिंग क्वाइल को क्या करोगे आप वाइंडिंग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना मैग्नेटिक मटेरियल और ये ऐसे करंट जा रहा है, अब ये मत बोलना कि इधर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है ये नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल फिशियल क्या है फिशियल है ना आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। अब आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है उसका क्या है कि अट्रैक्टिव पावर क्या होगा बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या होगा नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद शेप जो होता है आर्टिफिशियल जो क्या होगा तो यहां हम लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव पावर ऑफ क्या होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। अब शेप जो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट का वो कई शेप में पाया जाता है ना। तो जनरली जो आपने को पढ़ना है वो बार मैग्नेट ही पढ़ना है, और तो
तो शेप, वेरियस शेप, यानी आई मीन क्या है कि आर्टिफिशियल शेप आप लिख देते हैं, शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। शेप जो होगा वेरियस शेप में, यहां लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होते हैं वो तो बहुत वेरियस शेप में पाए जाते हैं, लेकिन अपने को जो शेप पढ़ना है ये क्या है, एक होता है एक बार मैग्नेट, इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। इसमें इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा और क्या होगा, साउथ पोल होगा, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, बार मैग्नेट। सबसे ज्यादा इसी को पढ़ना। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, यू शेप मैग्नेट होता है, यू शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, यू शेप। इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर क्या होगा, साउथ, ठीक है, तो यू शेप मैग्नेट। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल, है ना, ये थोड़ा डार्क होता है, ये जो इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल और ये क्या होता है, साउथ। ये तीन शेप अपने को ज्यादा पढ़ना है, हॉर्सो मैग्नेट भी होता है, कई टाइप्स होते हैं, लेकिन तीन को ही क्या करना है, अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, कि मैग्नेट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो वन बाई वन देखेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, ये तो मैग्नेट रहा, है ना, अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये देखो बोर्ड में आता है, बोर्ड में भी आएगा और जेई में भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आगे हम देखेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, तो यहां हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, पहला क्या है कि अट्रैक्टिव पोल, आई मीन क्या होगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, है ना, एंड पोल्स। तो पहला जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे वो क्या होगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज एंड क्या होगा, पोल। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि आयरन फाइलिंग में क्या किया गया, इसको डीप कर दिया गया, है ना, और ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि क्या होता है, फाइलिंग का मतलब क्या, तो आयरन का जो बुरादा होता है ना उसको हम बोलते हैं, तो उसमें डीप कर दिया गया और देखा गया कि जो दोनों जो एंड होता है उस पर जो आयरन फाइलिंग जो है वो क्या है, ज़्यादा अटैच है, और जो मिडल पॉइंट होता है वो क्या है, उस पे वो वहाँ आयरन जो फाइलिंग है वो जीरो अटैच है, जैसे ऐसे ही देखा गया एक्सपेरिमेंट, यही क्या है, बार मैग्नेट है, है ना, बार मैग्नेट। तो यहाँ देखा गया आयरन ऐसे डीप कर, डीप किया गया, तो देखा गया कि सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, इधर है ना, इधर, ठीक है। तो इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ऐसे आप बोल सकते हो इधर, और मिडल पॉइंट में क्या है, जीरो है। आई मीन ये देखा गया कि एट बोथ द एंड क्या होगा, अट्रैक्टिव पावर ऑफ द मैग्नेट क्या है, लार्जर है, क्या है, जैसे जैसे क्या है, हम सेंटर से दोनों एंड से अवे जाते हैं, वैसे वैसे मैग्नेट का अट्रैक्टिव पावर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। तो ये समझ में आया क्या होगा कि अट्रैक्टिव पावर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाता है, और मिडल में जो होता है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यदि मिडल पॉइंट बोले तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, इस एंड पे जो होगा वो अट्रैक्टिव पावर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है अट्रैक्टिव पावर, और यहां भी क्या होगा, सबसे ज्यादा, और देखा गया कि यहाँ दो पोल होते हैं, एक पोल क्या होगा P1 और इसको हमने क्या किया P2,
क्या होगा P1 एंड P2, तो अट्रैक्टिव पावर क्या होगा एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। तो यहां लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव पावर एट द सेंटर ऑफ द क्या होगा ऑफ द मैग्नेट इज जीरो while at the end क्या होगा both ends attractive power is maximum ठीक है। तो बोथ दो एंड्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहां क्या होगा अब ये देखा गया कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये देखा गया कि क्या है, यहां जो दोनों एंड होता है वहां क्या होता है पोल होता है। तो बार मैग्नेट में क्या होता है अट्रैक्टिव पावर क्या होता है दोनों एंड पे क्या होता है सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम होता है, और सेंटर पे मिडल पे क्या होता है अट्रैक्टिव पावर क्या होता है निग्लिजिबल होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल P1 and P2 exist at the क्या होगा both end। तो क्या होगा पोल का कैसे डेफिनेशन बताओगे, the points at which क्या होगा attractive power है ना, the points at which the attracting power of the magnet is greatest that points are called poles। तो ये देखा गया, यहां से हम पोल का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो attracting power है ना and poles है ना, तो यहां केवल attracting power लिख लो poles second point में poles है ना, पॉइंट है ना पॉइंट्स सिंपल लिखेंगे पॉइंट्स इनसाइड द क्या होगा मैग्नेट एट विच द क्या होगा द अट्रैक्टिव पावर पावर आर क्या होगा आर मैक्सिमम आर कॉल्ड पोल्स आर कॉल्ड पोल्स। तो इसे मालूम चल रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या होगा टू टाइप्स ऑफ पोल पोल्स एग्जिस्ट इनसाइड द मैग्नेट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुआ टाइप्स ऑफ पोल। तो इससे मालूम चल गया कि कोई भी मैग्नेट है, देखो ये मैग्नेट दिया हुआ है ना, तो इसमें दो पोल होंगे P1 और क्या होगा P2। ये कहां एग्जिस्ट करेंगे इनसाइड द क्या होगा मैग्नेट एग्जिस्ट करेंगे ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तो तीसरा जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है ना। तो क्या होगा व्हेन, देखो क्या है व्हेन क्या है यही मैग्नेटिक मेरिडियन है ठीक है, ऐसे सोचो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और यही ये मैग्नेटिक मेरिडियन है MM, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको MM लिखते हैं, आगे पढ़ोगे कि क्या होता है। तो ये देखा गया कि क्या when magnet each क्या होगा suspended freely in the क्या होगा in the magnetic meridian
देन इट इज डायरेक्टेड along north south direction. यही magnetic meridian है और मान लो कि ये क्या है, ऐसे सोचो ये क्या है north है और this is south, sorry this is south और this is क्या है east and this is west. तो ये देखा गया कि बाहर magnet, तो हम क्या कह रहे हैं जब इस magnetic meridian में suspend कर देते हैं है ना, या I mean लटका देते हैं तो क्या होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है डायरेक्ट हो जाता है. यही क्या हुआ बार मैग्नेट. तो जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल है ना, और जो पोल साउथ की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं साउथ पोल. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड, यहाँ यहाँ हम क्या बोलेंगे दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज क्या हो जाएगा साउथ. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल, वो तो मालूम चल गया नॉर्थ पोल और क्या होगा. तो टाइप्स ऑफ पोल जो होगा वो क्या होगा दो तरह के होंगे. तो जो पोल जो होगा क्या होगा नॉर्थ की तरफ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉर्थ पोल और क्या होगा साउथ पोल. तो बार मैग्नेट में क्या होगा दो पोल होते हैं, एक क्या होगा नॉर्थ और दूसरा क्या होगा साउथ, इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल और दिस इज कॉल्ड क्या होगा साउथ. ठीक है, अब पोल स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. पोल स्ट्रेंथ अब तो क्या होगा मैग्नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो अगला जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ आई मीन अट्रैक्टिव, तो थर्ड जो आई मीन ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज हुआ. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ अब तो क्या होगा मैग्नेट, ये क्या होता है ना. तो अगला जो पॉइंट है यही दो प्रॉपर्टीज है. तो पोल स्ट्रेंथ या ये आपको पोल स्ट्रेंथ, हाँ ठीक है पहले पोल स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं. पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इसको ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा मैग्नेट बिकॉज ऑफ विच इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द क्या होगा इट इज द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा मैग्नेट बिकॉज मैग्नेट बाय वर्चू ऑफ विच इच बाय वर्चू ऑफ विच इट अट्रैक्ट अदर मैग्नेट अदर मैग्नेटिक मटेरियल. मटेरियल और क्या होगा मैग्नेट, या सबसे अच्छा हम बोल सकते हैं इंटरैक्ट. अब क्या होगा तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट क्या होगा, तो यहां लिख देंगे पोल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मैग्नेट इज डिनोटेड एज क्या होगा एम. ठीक है, क्या चीज से हम डिनोट करेंगे एम से. डिनोट क्या चीज से करेंगे स्मॉल एम से हम पोल स्ट्रेंथ को क्या करेंगे डिनोट करेंगे. तो पोल स्ट्रेंथ जो है क्या है एक किसी वजह जस्ट लाइक चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं. पोल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा मैग्नेटिक चार्ज, इसको आप ये भी लिख सकते हो अट्रैक्ट द अदर मटेरियल. ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बाय वर्चू ऑफ विच इट अट्रैक्ट द अदर मैग्नेटिक मटेरियल.
ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ यहां लिख देता हूं, पोल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। तो जस्ट ये चार्ज की तरह, अभी हम यहां भी कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ज की तरह हम क्या करते हैं, अब पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है ना। तो पोल स्ट्रेंथ का जो पहले यूनिट लिख लो, बाद में हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, एम्पियर पर मीटर, ये आपको मालूम चल जाएगा कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन फर्स्ट में क्या है, नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा जो होगा वो कहाँ, क्या चीज पे, नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट, ये बहुत ही, दैट इज यहां लिख सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद रखना। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, है ना। यदि एरिया को क्या करोगे आप, हम यहां लिख सकते हैं कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A2 अपॉन A1, ये ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यही, यदि आप मैग्नेट मान लो तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिया जी 1/3 करोगे तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा, ये ध्यान देना है कि पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्या होता है, क्रॉस सेक्शन, स्मॉलर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर विल बी द क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, चेंज नहीं होगा तो पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से जैसे एक एग्जांपल देख लो यहाँ, ये आगे भी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल स्ट्रेंथ, है ना। और तुम याद रखो या नहीं रखो, लेकिन पोल स्ट्रेंथ जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। जैसे नोट में देखो, यहां मैं लिख देता हूं इसी में बी पॉइंट में, यहां कि देखो, व्हेन ए बार मैग्नेट हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन into two parts, into n equal parts, क्या होगा, n equal parts लिख दे यार, चलेगा, है ना, n equal parts, ये में क्या है, n equal parts first में क्या है, perpendicular to its length, ठीक है, length के, देखो यही क्या है, तो ऐसे divide कर रहे हैं, है ना। और B में क्या है, second में क्या है, ये bar magnet और pole strength, रुक जाओ इसको थोड़ा सा मैं इसे लिख लो, है ना, note में यहाँ लिख लेना, ठीक है,
A bar magnet of pole strength small m is broken into n equal part. फर्स्ट में क्या परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ और सेकंड में क्या है पैरेलल टू इट्स क्या होगा लेंथ और क्या होगा अलोंग द लेंथ ऐसे ही बोल सकते हैं अलोंग द क्या होगा लेंथ फाइंड क्या होगा फाइंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू मैग्नेट ये पूछा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बाद में भी मैं बताऊंगा तुमको लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एग्जांपल ले लो है ना जैसे यहां मैंने क्या किया एक एग्जांपल है ठीक है तो अब क्या होगा देखो ध्यान से अब n इक्वल पार्ट्स में केवल तुमको समझना आया है ना देखो ध्यान से कि हमने क्या किया कि एक बार मैग्नेट लिया फर्स्ट में क्या बताया गया है कि लेंथ के यही बार मैग्नेट है थोड़ा बड़ा बार मैग्नेट ले लेता हूं है ना ठीक है इधर क्या होगा नॉर्थ पोल और इधर क्या होगा साउथ पोल हमने क्या किया n इक्वल पार्ट्स में क्या किया इसको डिवाइड कर दिया तो देखो यहां क्या होगा एक बार मैग्नेट बनेगा ऐसे बन जाएगा यार n हो जाएगा साउथ फिर दूसरा बार मैग्नेट बनेगा n साउथ है ना क्योंकि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है आप बाद में देखना एंड सो तो ये कितना होगा n नंबर अब क्या होगा बार मैग्नेट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है ना थोड़ा सा तो थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं ऐसे है ना ये नॉर्थ ये क्या हो जाएगा साउथ दिस इज नॉर्थ नॉर्थ साउथ अगेन क्या होगा दिस इज नॉर्थ साउथ एंड सो ऑन नॉर्थ एंड साउथ इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है एम है ना तो सभी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा आप यहां से बता सकते हो देखो क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है तो यहां क्या होगा यहां एक नोट में लिख लेना है कि व्हेन बार मैग्नेट इज ब्रोकन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ देन क्या होगा देन एरिया ऑफ क्या होगा क्रॉस सेक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट ठीक है हेंस क्या होगा हेंस मैग्नेटिक हेंस पोल स्ट्रेंथ हेंस क्या होगा पोल स्ट्रेंथ Hence, pole strength of each magnet will be क्या होगा क्या लिखें hence pole strength of each magnet will be क्या होगा will be same as pole strength of पोल स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट तो यहां हम लिख सकते हैं कि देखो यहां m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 डैश 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 इक्वल टू क्या होगा
एम एन इक्वल टू एम वन एम टू, समझ रहे हो ना? यहाँ क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, एज इट इज रहे। अब हम आते हैं कि दूसरा जो क्या था, गिवेन अब लेंथ के परपेंडिकुलर यदि अलोंग कट कर रहे हो, देखो ध्यान से, तो अफकोर्स देखो क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कट करेंगे ना यार, है ना? यहाँ क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच न्यू मैग्नेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कितना होगा ये भी आप बता सकते हो। देखो यहाँ इसमें क्या होता है, उसमें लेंथ चेंज होगा, इसमें क्या होगा, एरिया क्या होगा, चेंज होगा, लेंथ क्या होगा। अब हम लिख सकते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि एरिया अब ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, ए नेट, है ना? ठीक है, या ऐसे मान लें, लेट एरिया ऑफ क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच न्यू मैग्नेट इज क्या हो जाएगा, ए। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, एन इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए नट, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए नट अपॉन क्या हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, है ना? तो हम लिख सकते हैं, और मैंने बताया था कि क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वन अपॉन एरिया। ठीक है, यहां से लिख सकते हो, देखो m m डैश अपॉन m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a अपॉन क्या लिख सकते हो, a डैश। समझ में आया ना, या a अब यहां लिख सकते हो, ये समझ में आने, या ऐसे लिख सकते हो यार, M1 अपॉन क्या होगा, M2 इक्वल टू क्या होगा, A2 अपॉन A1। M1 इक्वल टू M मान लो, M2 इक्वल टू M डैश मान लो, तो A A डैश अपॉन क्या हो जाएगा, A, है ना? और A डैश कितना है, N इंटू क्या है, N इंटू A अपॉन क्या होगा, A, ये कैंसिल हो गया था N। तो आप बता सकते हो कि m डैश इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि जब भी क्या होगा, बार मैग्नेट को क्या होगा, क्रॉस सेक्शन आई मीन लेंथ के पैरेलल हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन लेंथ जो होगा वो क्या होगा, अलवेज क्या होगा, सेम रहेगा। क्या होगा, लेंथ जो होगा वो क्या होगा, अलवेज सेम होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो यहाँ इस केस में हम लिख सकते हैं कि देखो m डैश m अपॉन क्या होगा, n, m क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ न्यू मैग्नेट। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब आते हैं कि पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगा, दो तरह के होंगे, है ना? तो टाइप ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ, ये समझ में आया कि पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा और इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। दूसरा जो ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी बार मैग्नेट को हम लेंथ के परपेंडिकुलर क्या करेंगे,
यही बार मैग्नेट है, हम ऐसे कट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आइदर इक्वल कट करो या अनइक्वल कट करो, बार मैग्नेट का जो न्यू बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम, क्योंकि ऐसे कट करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि बार मैग्नेट को जब हम क्या करें, बार मैग्नेट को एरिया आई मीन लेंथ के पैरेलल कट करें, देखो ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं ऐसे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा जो ये होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, है ना, ठीक है, क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अगला जो पॉइंट माइंड में रखना है क्या है कि देयर आर टू टाइप ऑफ पोल स्ट्रेंथ, क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ पोल पोल स्ट्रेंथ, या ऐसे लिख दो, है ना। अगला पॉइंट में क्या लिखना, पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो होगा वो दो टाइप का होगा, है ना, क्या होगा, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ इसको M प्लस बोलेंगे, और ये क्या होगा, निगेटिव पोल स्ट्रेंथ इसको M माइनस बोलेंगे। अब M प्लस M तो पोल स्ट्रेंथ ऐड क्या होगा, नॉर्थ पोल, याद रखना है क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ एट नॉर्थ पोल इज पॉजिटिव, ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, साउथ पोल इज क्या होगा, नेगेटिव, ये ध्यान देना। अब क्या करो, कोई भी बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट में हम क्या करेंगे, जनरल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो चार्ज से क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये क्या होगा, यहाँ माइनस एम होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस है, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ, अभी बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ को, नॉर्थ पे क्या होगा, ये दिस इज मैग्नेटिक चार्ज, तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद हम और भी इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।